हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों 24 जनवरी 2023 वार मंगलवार, सबसे पहले चर्चा करेंगे भारतीय बाजारों की। तो भारतीय बाजारों में आज वायदा बाजार उठक पटक देखने को मिली, हल्की सी स्लाइटली पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आ रहा है। कोको, बिनोड़ा खड़ और हड़द, धनिया और उसके अलावा जीरा, बाकी सभी नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं और बंद भी नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आए हैं। 5-7 मिनट बाकी है वायदा बाजार बंद होने में। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों में गेहूं की ओर। तो गेहूं आज नेगेटिव रहा है, अभी ट्रेंड नेगेटिव है और कल भी यदि सुबह नेगेटिव खुल जाता है तो गेहूं का अपना स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसमें नई डिजाइन का स्टॉप लॉस हमने डिजाइन किया था, जो हम टाइमली यूज करते हैं कि भाई 10 से 15 मिनट जो हम भी जब भी कभी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम टाइम का स्टॉप लॉस भी लेके कभी कामकाज करते हैं। तो ये स्टॉप लॉस था, ये अगर आज भी नेगेटिव है और कल भी नेगेटिव रहे, सुबह नेगेटिव खुले तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी 3200 का बाजार है अभी, 3211 कोट हो रहा था मथुरा दोपहर में, तो 20 रुपए नीचे 3190 का बाजार अभी है दिल्ली। तो ये है। अब बात करते हैं तिलहन के बाजारों में। आज निचले लेवल से एक सुधार देखने को मिला, खासतौर पे सरसों के बाजारों में, सोयाबीन के बाजारों में कोई बदलाव नहीं हुआ, गिरावट थी और स्टेबिलिटी के साथ ही बाजार रहे, कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आया। तो सरसों के बाजारों में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली, लगातार जो आपके घट रही थी 1 लाख बैग के आसपास जो आपके बनी हुई है उसके परिसर एक बाजारों पर देखने को मिला है। तो भारतीय बाजारों में यदि अब हम बाजारों की बात कर लेते हैं तो सरसों के बाजारों में, तो सरसों भरतपुर 5900 के आसपास बंद होती हुई नजर आ रही है, वहीं दादरी 5950, भिवानी 5900, रेवाड़ी 5940 कंडीशन, उसके अलावा शिवानी मंडी नॉन कंडीशन 5350, वहीं जयपुर 6150, टोंक निवई मालपुरा 6025, उसके अलावा देई बूंदी 5950 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है, अलवर खेरली बड़ौदा में 6000 के आसपास अभी फिलहाल समय कामकाज करती हुई नजर आ रही है। सुबह 5900 के आसपास बाजार खुलते हुए नजर आए थे, तो प्रेशर सुबह बाजार स्टेबिलिटी के साथ खुले थे, दिन में सुधार होता हुआ नजर आया है। तो ये बाजारों की स्थिति रही। प्लांटों के भाव की बात करें तो 6650 है आगरा वाला प्लांट सलोनी का, उसके अलावा बीपी प्लांट 6500 और अडानी अलवर और बूंदी 6100 के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आए हैं। तो एक 5000 रुपए की आज एक रिकवरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजारों की। सोयाबीन के बाजारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाजार नेगेटिव ही रहे और स्टेबल ही रहे, कोई बड़ा परिवर्तन सोयाबीन की कीमतों में नहीं देखने को मिला। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। कीर्ति 5520, धानुका 5535, एमएक्स सोलवेक्स 5475, प्रकाश 5500 के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं नरमा। नरमा की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली, रुई के बाजार 50 रुपए नीचे खुलते हुए नजर आए, बिनोड़ा खड़ में भी एक प्रेशर देखने को मिला, पर आज वायदा में खड़ में कुछ अनयूजुअल चीजें होती हुई नजर आई है, असर दिखेगा 1-2 दिन में, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेना, भाव बता देगा आपको क्या होता हुआ नजर आया है। तो नरमा में गिरावट रही, अनूपगढ़ के नरमा हमेशा की तरह आज भी टॉप 85-37 पर बिकती हुई नजर आई है, विजयनगर 85-10, इलाहाबाद 81-33, आदमपुर 83-31, वहीं बात करें बरवाला 8030, अबोर 8200, सिरसा 81-94 और बात करें रेवाड़ी मंडी 8000, खैरतर मंडी भी 8050 तक बिकती हुई नजर आई है। तो बड़ा परिवर्तन आज इन भावों में भी होता हुआ नजर नहीं आया है, तो नरमा में भी गिरावट रही। अब बात करते हैं एक वायदा पर ग्वार। तो ग्वार में जो जिस हिसाब से कामकाज हो रहा है, जिस हिसाब से ग्वार के एक्सपोर्ट के नंबर भी आए, बढ़ के आए हैं और एक्सपोर्ट में लगातार डिमांड बनी हुई है, इसमें एक परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन ये हुआ है वहां पे एक बिल आने वाला है अमेरिका में जिसमें SPLR को भरने के ऊपर चर्चा होगी। तो एक मैं उसका नाम तो कन्फर्मली नहीं बता सकता, पर एक व्यक्ति विशेष है वहां पे बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए, उन्होंने SPLR के भरने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है यदि अमेरिका SPLR क्रूड का जो ऑयल रिजर्व है, जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया में, उसको यदि भरने जाएगा तो क्रूड ऑयल की इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी।
तो ये एक चेंजमेंट हुआ है। तो क्योंकि बड़ी डिमांड में जो उछाल देखने को मिला था अमेरिका से देखने को मिला था, बाकी बहुत से देशों से, रशिया से भी, जर्मनी से भी, भारत में भी, डोमेस्टिकली यूज में भी प्रेशर उठाव आया था, पर जो बड़ा जो एनर्जी का जो बड़ा जो कंज्यूमर है वो अमेरिका है। तो ये एक चेंजमेंट हुआ है। उसके अलावा ग्वार के टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल जो ये ब्रेकआउट हुआ था 12,290 गम और 61,150, 61,262 के आसपास जो बाजार का जो गम ग्वार का जो सीड का जो ब्रेकआउट हुआ था, ये अभी जो ब्रेकआउट है ये रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर टेक्निकल तौर पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आना चाहिए। इसके अनुसार इसमें एक उछाल 6,800 तक का ग्वार सीड में मरता हुआ नजर आना चाहिए, जो इसकी फरवरी के महीने में इस उछाल के आपको आसार पूरे नजर आएंगे। तो ये एक ग्वार का एक विश्लेषण था। उसके अलावा यदि बात करें नरमा की, तो नरमा पर एक बड़ी परिवर्तन होता हुआ नजर आया है। बड़ा चेंजमेंट ये हुआ है कि अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट और भारतीय मार्केट रुई की कीमतों में खाली 6 सेंट का डिफरेंस बचा है, जो लोवेस्ट है इस सीजन में। अब अधिकतम जो पेरेटी थी वो 28 सेंट तक जाती हुई नजर आई थी, अब 6 सेंट के आसपास बची हुई है। तो जो ये 6 सेंट की जो पेरेटी बची हुई है ये बाजारों में धीरे धीरे करके ये तो खत्म होगी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों खत्म होगी, जो 1.5 लाख की आव के भी मनी हुई है। पर बिनौला खड़के वायदा में कुछ अनयूजुअल चीजें होती हुई दिखी हैं, उनका असर बाजारों पर रहेगा वो बहुत मतलब बता रही है कुछ जो चीजें जो बाजार में जो घटित होने वाली हैं, और एक संकेत भी है, पहला संकेत भी है बाजार की ओर कि बाजार किस और दिशा में जा रहा है। तो ये एक चीज अभी बाजारों में चल रही है। तो जो 6 सेंट का डिफरेंस अभी 6 सेंट का बचा है भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की कीमतों के बीच, हमने आपको पहले बताया था जब वायदा बाजार बंद होएगा तो ये डिफरेंस कट के 0 होगा। रही बात माइनस में जाने ना जाने की, तो माइनस में जाता हुआ भारतीय बाजार अभी नजर नहीं आता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर इतनी डिमांड, इतनी जबरदस्त डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं है। 1.5 लाख आव के कंटिन्यूशन में रहने के बावजूद भी भारतीय रुई की कीमतों में बड़ा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट की तेजी आ रही, भारतीय बाजारों में तेजी नहीं आ रही। वो इसलिए कि भारतीय बाजार अभी सेटल, बड़ी जो एमएनसी कंपनी है वो हेजिंग के लिए इसको सेटल करती हुई नजर आ रही है, इसको अपने अनुरूप बाजार को चलाने के लिए। तो ये एक चीज जरूर बाजारों में हो रही है। तो ये एक आपको विश्लेषणात्मक लेके चलना पड़ेगा। ये 6 सेंट का डिफरेंस भी जैसे जैसे पट जाएगा ऑन एन एवरेज, कोई स्टेशन 1-2 सेंट ऊपर रहेगा, कोई स्टेशन 1-2 सेंट ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कोई स्टेशन उसके अनुसार चलेगा। तो यानी कि मोटा मोटी में कहें तो एवरेज इसके अनुसार ही बाजार अब चलेगा। अब बाजारों में अंतरराष्ट्रीय मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार भारतीय बाजारों में अब उतार चढ़ाव आने की उम्मीद है, 4 सेंट और पटने की उम्मीद है। और भारतीय बाजार इतने महंगे थे, भारतीय की जो रुई है उसकी जो क्वालिटी तो सबसे अच्छी है, बस एक ही इस क्वालिटी में एक ही प्रॉब्लम आती है कि हाथ से इसकी चुगाई होती है। यदि इसकी हाथ से चुगाई ना हो तो हम पूरी दुनिया को लीड करें और सरकार इस प्रकार के फैसले ना ले। तो इसी के अनुसार किसानों के जो एक कोई महाराष्ट्र में नेता है जोशी जी, शायद हम उनका इंटरव्यू भी करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर, वो सेबी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वायदा बाजारों की वापसी करवाई जाए। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई उनका क्या मत है, किस हिसाब से उनका आगे की रूपरेखा है। तो एक बहुत ही अच्छी किसानों के जरिए की जाने वाली पहल है, तो आप इसको भी एक लेके चल सकते हैं। तो ये एक चीज बाजार में देखने वाली है। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।